Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. As you know, we have started the part history of SST. So in today's class, we are going to continue the same. So let's see the board. Your subject is SST and part is history. And the chapter number we are doing is 10. And the name of the chapter is the New Empires of Kingdoms. The New Empires and Kingdoms. Naye Samrajya aur Raja. गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता पीरियड यानी कि जो गुप्ता पीरियड का उसका सुनहरा काल. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड कवर्ड फ्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर टॉपिक्स एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट इज समुद्रगुप्त, नेक्स्ट वन इज चंद्रगुप्त सेकेंड. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपका ये गुप्ता पीरियड है वो कहाँ था, कैसा था, हमारा भारत क्या फेस कर रहा था, रूल कहाँ से हुआ गुप्ता पीरियड का स्टार्ट. राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गुप्ता पीरियड की जो नींव थी वो चंद्रगुप्त ने रखी थी. ठीक है, एंड टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 140-141. चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने जो है डायनेस्टी को एक्वायर किया था. तो अब हम पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त की क्या क्या विशेषताएं थी, वो कैसे पर्सन थे, कब से कब उन्होंने रूल किया. समुद्रगुप्त जो है बहुत बड़े कॉन्कर थे. कॉन्कर का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो किसी लैंड को जीत लेता है. तो वो बहुत ही बड़े वो कह सकते हैं आपके डेकन तक जाएं तो कांचीपुरम इंद्र डेकन तक उन्होंने फैलाया है. उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे काशा और कुशानास के साथ. ये भी एक डायनेस्टी है. समुद्रगुप्त जो थे बहुत ही अच्छे, मतलब उनका आर्ट बहुत अच्छा था, वो कला में बहुत अच्छे थे, उनका लिटरेचर बहुत अच्छा था, उनका साहित्य बहुत अच्छा था. हिज कोर्ट वॉज एडॉर्न्ड बाय द पोएट. उनके जो सभा थी उनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मंत्री पद थे, उनके कवि थे, उनके मंत्री उन्होंने बताया और कवि बताया. कवि कौन कौन से थे, हरिसेना, असंगा और वासुबंधु. वो खुद भी जो है म्यूजिशियन, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे. उनको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था. वो देखा गया है कि उन्हें वीणा बजाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ कॉइन्स उस टाइम के मिले हैं जिसमें इस पिक्चर को दिखाया गया है, जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं. इस तरीके के कॉइन्स उस टाइम से मिले हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनको वीणा बजाना कितना अच्छा लगता था. He was also a warrior and was a tolerant ruler. उन्होंने कहा कि वॉरियर भी थे, खिलाड़ी भी थे, वो लड़ाका भी थे वो, और टॉलरेंट रूलर भी थे, यानी कि लोग उनको पसंद करते थे. He worshipped Lord Shiva, भगवान शिव की वो पूजा करते थे, बार बार आश्रम में यज्ञ करते थे, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया. फिर उनके बाद जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने उनकी गद्दी को संभाला, उनका बेटा कह सकते हैं. और चंद्रगुप्त सेकंड जो है 375 AD में आए. चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में प्रख्यात थे वो. उन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं, लिटरेचर हो, कल्चर हो, साइंस हो, आर्ट हो, इसलिए उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है. उन्होंने जो है कौन कौन सी जगह को जीता, मालवा गुजरात में है, और उन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न जो इंडिया लिखी है. पनानी रोट द अष्टाध्यायी. पनानी जो है बेसिकली उन्होंने बताया उनके 9 रत्न थे, उसमें कालिदास थे, वराह मीरा थे, विशाखा दत्ता थे, आपके पिनानी थे, विष्णु शर्मा जो कि पंडित थे, जो उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है जिसे हम पंचतंत्र कह सकते हैं. तो चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज सक्सीड बाय हिज कुमार गुप्ता. तो चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे कुमार गुप्ता ने गद्दी संभाली. उसके बाद कुमार गुप्ता के बाद गद्दी जो है उनके बेटे सकानंद ने संभाली. हाउएवर द सक्सेसर वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू स्टॉप डिस्प्यूट. पर उनके बाद जो उनके बच्चे आए, उनके सक्सेसर्स आए, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने साम्राज्य को संभाल पाए. उनके बीच में मतभेद होने लगे, उनकी जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे. वो अपनी टेरिटरी को दूसरे जो अटैक करते थे दूसरे लोग, उससे बचा नहीं पाए. और फाइनली जो है उनकी टेरिटरी कह सकते हो आप डायनेस्टी जो है खत्म हो गई 525 AD में. राइट, सो वी हैव डिस्कस टू टॉपिक, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू. रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास. होप यू लाइक टुडेज वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. जो है बहुत बड़े कॉन्कर थे. कॉन्कर का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो किसी लैंड को जीत लेता है. तो वो बहुत ही बड़े वो कह सकते हैं आपके शस्त्रीय थे, जिन्होंने मतलब शस्त्रों से लड़ाई झगड़ा करके, मतलब लड़ाई करके दूसरे मतलब उस लैंड को एक्वायर किया और अपने साम्राज्य में उसको जोड़ लिया. उन्होंने अपना राज्य जो है
हिमालय से लेकर, हिमालय नॉर्थ में है, लेकर नर्मदा तक जो कि साउथ में है, ब्रह्मपुत्र जो कि ईस्ट से लेकर आपका यमुना वेस्ट तक। तो ये सारा जो है एरिया उन्होंने अपने डायनेस्टी के अंदर कवर कर लिया था। वो बहुत ही अच्छे लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पोइट हरिसेना गिव्स एन अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्त एंड द सेम इट इंस्क्राइब्ड ऑन अ पिलर ऑफ एट इलाहाबाद प्रयागराज। तो उन्होंने कहा है कि उनके एक सभा कवि थे, उनके जो कोर्ट में बैठने वाले कवि थे जिनका नाम था हरिसेना, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। कुछ बातें जो हैं आज भी इंस्क्रिप्टेड हैं एक पिलर पे जो कि इलाहाबाद में है, जो कि उस टाइम प्रयागराज भी कह सकते हैं हम। इट इसके अंदर जो है 33 लाइन्स है संस्कृत में लिखी हुई उनके ऊपर। ये जो है कब बनाया गया था, 4th century AD में बनाया गया था। इन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, प्रयाग या प्रशस्त्री भी कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त के सारे जीत उन्होंने की, क्या उनके अंडर साम्राज्य आता था, उसको वो कैसे संभालते थे, ये सब लिखा है उन्होंने जो है। इट स्टेट दैट, इसमें ये लिखा है कि समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ से अपना साम्राज्य फैलाया है। वेस्ट में उनका गंगेटिक प्लान जो उसके अंदर आता है, उनके अंदर आता है, पंजाब उनके अंदर आता है, वहां से लेकर थे वो, उन्होंने अचीवमेंट्स ली है लिटरेचर हो, कल्चर हो, साइंस हो, आर्ट हो, इसलिए उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उन्होंने जो है कौन कौन सी जगह को जीता, मालवा गुजरात में है, और उन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न जो इंडिया के जो वेस्ट साइड्स हैं उनको कह सकते हैं वहां से उन्होंने ट्रेड किया, क्योंकि वहां पे समुद्री इलाका है, सच एज कैम्बेन सोप्रा ही कॉन्क्यूर्ड। उन्होंने जो है बंगाल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और अपना जो दायरा था उसको बढ़ाया। तो बेसिकली क्या हुआ, जो गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे उसने पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया। ही मेड उज्जैन इज सेकेंड कैपिटल, जो उन्होंने क्या किया, दूसरी जो कैपिटल अपनी स्टेट बनाई वो बनाई उज्जैन। ही कंस्ट्रक्टेड, वहां पर उन्होंने जो है दशवत्रा टेम्पल बनाया दियोगढ़ में, जो कि बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गुप्ता पीरियड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है ट्रेड रिलेशन अच्छे किए थे, कौन से कंट्री के साथ, रोम और इजिप्ट के साथ, ये हमें पता लगता है, वहाँ के कॉइन्स जो है हमें हिस्टोरियन से या हमारे रिसोर्सेज में मिले हैं। उनका जो लिटरेरी सोर्स था वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें जो है ना गुप्ता पीरियड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है, उनके जो है क्या कहते हैं उनके लिटरेचर के बारे में, उनके आर्ट के बारे में बहुत सारी पिक्चर्स हमें मिली है, जिससे हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या क्या अचीव किया था अपने टाइम पीरियड में। उनके उनके पास भी, उनकी सभा में भी बहुत सारे कवि थे, बहुत अच्छे अच्छे कवि थे, जिनको वो नवरत्न्स भी कहते थे, नाइन जेम्स कहते थे। अमंग देम उनमें से सबसे जो उनके अच्छे मतलब प्यारे कह सकते हैं, बहुत ही पंजाब कश्मीर से लेकर नेपाल नॉर्थ तक था, रिवर नंदा जो है साउथ में है वहां तक था, कन्नौज उनका कैपिटल था यानी कि जहां से बैठ के वो रूल करते थे, उनका कल्चर सेंटर भी था। हर्षा ने बहुत ज्यादा ट्रैवल ऑल ओवर हिज किंगडम, हर्षा जो है अपने पूरे साम्राज्य में ट्रैवल करते थे, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे अपनी प्रजा के प्रजा के बीच में। उन्होंने भी बुद्धिज्म का ही रिलीजन जो है फॉलो किया, उसके लिए उन्होंने स्तूपास बनाए, मॉनेस्ट्री बनाई, उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज की थी 5th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी 643 में, जिसमें 20,000 श्रद्धालु आए थे, और वहां उसको मतलब उस सभा में किसने स्पीच दी थी, हुआंग सेंग ने स्पीच दी थी। और हर्षा की डेथ जो है, हर्षा की डेथ के बाद से ही हर्षवर्धन का जो डायनेस्टी था उसका फॉल हो गया था, उसके बाद उनके बच्चों ने उसको सक्सीड नहीं वो कर पाए, और सक्सीड भी किया तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाए जैसे उनके फादर हर्षवर्धन ने किया था। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द रेस्ट टू टॉपिक्स, और वी कैन से द लास्ट टू टॉपिक्स एंड फिनिश दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। रामेश्वर में पुष्पया भूतीज ने फैलाया, और वल्लभी, ये सारी जगहें कन्नौज हो गया, मगध हो गया, आपकी जगहें उस टाइम की, वल्लभी भी जगह है जहां पे मैत्रेय कालस ने अपना परचम फैलाया। फिर आया प्रभाकर वर्धना ऑफ पुष्पवती फैमिली, वांटेड टू बिकम अ ग्रेट कॉन्क्योर, हिज विश वॉज फुलफिल्ड बाय हिज सन हर्षवर्धना, प्रॉपरली कॉल्ड हर्षा। फिर युग आया हर्ष का, हर्षवर्धना का, जिसमें नींव किसने रखी थी,
प्रभाकर वर्धना ने भरी रखी थी, पुष्पभूति में रखी थी, जिनका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाए, यानी कि सारे आसपास की जगह उनके अंडर आनी चाहिए। और उनका सपना जो है उनके बेटे हर्षवर्धन ने पूरा किया, और उसको हर्ष भी कहा जाता था। तब जाके हर्षवर्धन का राइज आया। अब राइज ने क्या कहा कि हर्षवर्धन ने रूल किया था, 41 ईयर्स तक रूल किया था। उनका रूल जो है, उनका टाइम पीरियड जब उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था, वो था AD 660। उन्होंने कहा उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। उनकी जो उनके बारे में लिखा गया है, उसका नाम है बन्ना भट्टा, जिसमें उनके बारे में लिखा गया है, जिसे हर्षाचरित्र भी कहते हैं। और भी इंफॉर्मेशन जो है हमें हर्षवर्धन के राज्य की मिलती है, किसके द्वारा, हुआन सांग, जो कि एक चाइनीज के ट्रैवलर थे, और वो हर्षा के टाइम पर यहाँ पर आए थे। उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये। हर्षा एम्पायर एक्सटेंडेड। अब हर्षा का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? पंजाब, कश्मीर से लेकर नेपाल नॉर्थ तक था। रिवर नंदा जो है साउथ में है, बाय द काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर। और इसको कौन संभालते थे? जो विलेज के बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो जो है इनके साथ मिलकर इसको संभालते थे। द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वर डिसेंट्रलाइज का कहने का मतलब है कि ये इनको सब कुछ बताएगा, ये इन सबको सब कुछ बताएंगे, और गुप्ती जो है एम्पायर अपने राजा को अपने प्रजा के बारे में, अपने एरिया के बारे में सब बताते थे। देयर वर मेनी ऑफिसर हु हैड मेनी पोर्टफोलियोज। बहुत सारे ऑफिसर्स थे, पोर्टफोलियो यानी कि वो सारी चीज़ों का संभाल के रखते थे कि इतना लैंड है, इतना रेवेन्यू है, या फिर हमारे इतने आदमी हैं, हमारी प्रजा में इतने लोग हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके रखते थे। एग्जाम्पल दिया है, हरिसेना क्या करते थे? मिनिस्टर थे किसके? वॉर के और पीस के, जिसको कहा जाता था संधि भी ग्रह का। जो हरिसेना थे, जो रात, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो एक सभा के मंत्री थे, जो क्या देखते थे, लड़ाई झगड़ा ना हो, और अगर हो रहा है तो उसको कैसे संभालना है, या फिर शांति अमन बना के रखना है, जिसके लिए उनको नाम दिया गया था संधिवी का ग्रहिका। ठीक है, फिर आपके आते थे नगरपति, जो क्या रखते थे, टाउन में कोई परेशानी तो नहीं है, आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टाउन को लेकर, खाने को पानी को लेकर, या छोटे मोटे डिस्प्यूट अगर किसी के हो जा रहे हैं उनको सॉल्व करना, ये नगरपतिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब बात करते हैं गुप्ता के आगे और भी साम्राज्य आए। जैसे हमने कहा कि गुप्ता जो है एंड पर आ गया था, तो गुप्ता के आगे और भी साम्राज्य जो है उभर के आए 7th सेंचुरी में। जैसे कि हम कह सकते हैं गुप्ता ने मगधा में बहुत ज़्यादा अपना परचम फैलाया, इसी तरीके से कन्नौज में मऊ खारिज ने फैलाया, बांटा हुआ था भुक्तीज, ठीक है, भुक्तीज ने बांटा हुआ था, ये भी भुक्तीज, ये भी भुक्तीज। अब इन भुक्ती को संभालता कौन था? इन भुक्तीज को संभालते थे उनके प्रिंस, यानी कि उनके राजकुमार। दे वर लुक आफ्टर द प्रिंस हु वर कॉल्ड उपारिका महाराज। तो इनको कहा क्या जाता था, जो प्रिंस होते थे जो इस भुक्ति को संभालते थे, उनको कहा जाता था उपारिका महाराजा। फिर जो है इनका जो प्रोविनेंस है, उनको और छोटे पार्ट में बांट दिया, यानी कि ये जो भुक्ति थी उसको भी उन्होंने छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और उसको कहा विशाया। ठीक है, विशाया को कौन संभालता था? विशाया को संभालते थे उनके छोटे छोटे मंत्री, जिनको हम युक्तास कहते थे। ठीक है, विशाया को कौन संभालता था? मंत्री, जिनको हम युक्तास कहते थे, अयुक्तास कहते थे, अयुक्तास। ठीक है, अगेन उन्हें कहा है, फिर जो आपके विषायास थे उनको फिर छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था, वो होते थे आपके विलेजेस। ठीक है, इन विलेजेस को कौन संभालता था? इन विलेजेस को संभालता था, उसको कहा जाता था ग्रामिका, उसको कहा जाता था ग्रामिका। तो अब हम समझ सकते हैं कि कितना मैनेज तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाल रखा था। उनके साम्राज्य को उन्होंने टुकड़ों में बांटा, जिसको भुक्तीस कहा गया, जिसको कौन संभालता था? राजकुमार प्रिंस, जिसको हम उपारिका महाराजा भी कह सकते हैं। फिर भुक्तीस को छोटे छोटे और प्रोविनेंस में बांटा हुआ था, जिसको हम बोलते थे विषाया। ठीक है, विषाया को कौन संभालता था? मंत्री संभालते थे, जिसको अयुक्ता कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा विषाया को हमने छोटे छोटे विलेजेस में बांट रखा था, जिसको कौन संभालता था? स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेस SST क्लास फॉर दिस सीएम बोर्ड सब्जेक्ट। वी आर डूइंग SST एंड द पार्ट ऑफ SST विच आर वी आर डूइंग इज हिस्ट्री, chapter number 10, and the name of the chapter is an empire and the kingdom and the golden age of the Gupta period.
right? We have covered few topics from this chapter. So in today's class, we are moving to further topics. So what are the further topics? First one in today's class we are going to discuss is administration. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो किस तरीके से मैनेज करते थे अपने साम्राज्य को कैसे संभालते थे. नेक्स्ट है राइज ऑफ हर्षवर्धन. तो उन्होंने कहा नेक्स्ट में हर्षवर्धन जो है एक साम्राज्य के राजा थे, उनका कैसे उदय हुआ. ठीक है, दीज टॉपिक्स आर ऑन पेज नंबर 141 एंड 142. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए बुक. एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन पेज नंबर 144. एडमिनिस्ट्रेशन जो है गुप्ता पीरियड का, आप मानिए बहुत ही अच्छा कहा गया है कि उसको इतना उन्होंने अच्छे से अपने साम्राज्य को संभाला हुआ था, इतने मैनेज किया हुआ था, इतने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था. जैसे द किंग वॉज वेरी स्ट्रांग, किंग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, उनके पास बहुत अच्छे मिनिस्टर्स थे, आर्मी थी, उनके प्रिंस थे, एडवाइजर थे, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट इन देयर डायनेस्टी. एम्पायर जो था ना पूरे साम्राज्य को किस बात किस भाग में बांटा हुआ था, तो आप हम ऐसे समझते हैं कि पूरे साम्राज्य को उन्होंने छोटे छोटे किस में बांटा हुआ था, बुक 30 में. ठीक है, बुक 30 में बांटा हुआ था. ये भी